आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। यहाँ से अपने के पास इंटीग्रेशन जीरो से लेकर कहाँ तक दे रखा, तो पाई अपॉन फोर तक, और ऊपर अपने के पास दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और इंटू दे रखा है अपने के पास साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, और होल अपॉन में अपने के पास दे रखा है किसके बराबर, तो होल अपॉन में दे रखा है कॉस क्यू एक्स के बराबर और प्लस टाइम साइन क्यू एक्स के बराबर, ठीक है, और इन पूरे का होल स्क्वायर दे रखा और ये रहा अपने के पास डी एक्स के बराबर। बराबर यहां से अपने के पास क्या कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। इनको अपने के पास दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो अपने के पास डबल एंगल लगा करके, दूसरा अपने के पास टेन थीटा में कन्वर्ट करके। डबल एंगल इन द सेंस क्या, इसको अपने का साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा में बदल देते हैं, कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा में बदलिए, उसके बाद अपने के पास आगे काम कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, टेन थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। या अगर इंटीग्रेशन जीरो से लेकर कहाँ तक, पाई अपॉन फोर तक, यहाँ से नीचे से हम ऊपर क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स एज एट इज रहने दीजिए और ये साइन स्क्वायर एक्स एज एट इज रहने दीजिए। नीचे से हम क्या करते हैं, इसमें से साइन क्यू कॉमन ले, कॉस क्यू कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉस क्यू कॉमन लेंगे तो बाहर अपने पास कॉस की पावर सिक्स एक्स बनकर आएगा, क्योंकि अपने पास पावर ऊपर तो अपने पास थ्री भी है, और नीचे अपने पास क्या बन जाएगा, जैसे ही कॉस क्यू अंदर में से कॉमन लिए तो यहाँ से अपने पास करा जाएंगे, तो ये तो वन हो गया, और प्लस टाइम्स ये किस आ जाएंगे, तो टेन क्यू यहाँ से आ गया किस बराबर, टेन क्यू थीटा, और इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, और ये आ गया अपने किस बराबर, डी एक्स के बराबर, नॉट थीटा बल्कि अपने पास ये किस आ जाएंगे, टेन क्यू एक्स के बराबर। थोड़े बहुत इतना हजम कर लीजिए, अगर इतना हजम हो गया तो आगे अब हम बढ़ते हैं। चलो आगे अपने का सॉल्व करो, आगे कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जो कट रहा है काट लीजिए, ये और ये अपने के पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे, कौन सा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे अपने पास ये कैंसिल आउट करके फोर आ जाएगा, बेस सेम, तो पावर अपने पास क्या होता है, घट जाता है। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो जीरो से लेकर कहाँ तक, पाई अपॉन फोर तक, और यहाँ से अपने कैसे क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने साइन स्क्वायर एक्स और होल अपन अपने कैसे करा जाएंगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू अपने कैसे बराबर हो जाएंगे, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू अपने कैसे करा जाएंगे, तो बताइए, तो ये आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू अपने पास कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ नहीं किया अपने पास, कॉस की पावर फोर बचा है, कॉस की पावर फोर को कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लीजिए, और वन प्लस टेन क्यू एक्स के बराबर हो गया, हाँ है ना, और ऊपर अपने पास क्या है, डी एक्स है। अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको कुछ दिखेगा, साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स, ये टेन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ अपने पास, टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, ऊपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने किस तरह जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के पाई अपॉन फोर तक, और ये लिखा हुआ अपने पास टेन स्क्वायर एक्स के बराबर, और इंटू अपने के पास ये देखिए, नीचे अपने कैसे क्या, इन पूरे का होल स्क्वायर, तो नीचे अपने कैसे क्या लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, और होल अपॉन में अपने कैसे क्या लिखा हुआ, तो होल अपॉन में दे रखा वन प्लस टेन क्यू एक्स के बराबर, और इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर। हम कुछ नहीं किए, यहाँ से अपने के पास सीधी सी बात है, यहाँ पे अपने के पास ट्रिग्नोमेट्री लगाए और खुश रहे, ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए, तो नीचे वाले को अगर हम टी मानते हैं, अब कहेंगे कि सर टेन एक्स को हम टी मान लेंगे तो ये अपने के पास डी टी में चला जाएगा, हम क्या करते हैं टेन क्यू एक्स को ही टी मान लेते हैं। यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, टेन क्यू एक्स, यहाँ से अपने के पास इस पूरे को मानिए, एक ही बात निपटा दीजिए, वन प्लस टेन क्यू एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो यहाँ से अपने के पास ये तो जीरो, तो ये अपने के पास थ्री टेन स्क्वायर एक्स, थ्री टेन स्क्वायर एक्स इंटू अपने के पास सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, डी टी के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से अपने यहाँ से बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, इंटीग्रेशन, अभी लिमिट के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपने किस तरह बढ़ जाएंगे बताइए, तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपने पास डी टी अपॉन थ्री के बराबर, डी टी हम यहाँ पर लिख देते हैं और थ्री को हम वन अपॉन थ्री यहाँ पर लिख देते हैं बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे, टी स्क्वायर के बराबर। किसी को इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास अभी ये टी कहाँ से आ गया, ये टी नहीं बल्कि अपने के पास ये आ गया डी एक्स के बराबर, हाँ है ना, ठीक है। अब अपने के पास लिमिट बताइए, तो एक्स अगर जीरो डालते हैं तो ये वन हो जाएगा, और एक्स अगर अपने के पास पाई बाय फोर डालते हैं तो ये आ गया किस बराबर, टू के बराबर। देख लीजिए, डाल के देख लीजिए, यहाँ से आ गया अपने के पास वन अपॉन थ्री और इंटू अपने के पास टी की पावर में किस आ जाएंगे, तो माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन के बराबर, और होल अपॉन माइनस वन के बराबर, और ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो वन और लोअर लिमिट वन अपर लिमिट टू के बराबर, यानी ये आ गया वन अपॉन थ्री के बराबर, माइनस हम बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास वन अपॉन टू और माइनस टाइम्स वन अपॉन वन के बराबर, यानी तो माइनस वन लिख दीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स वन अपॉन थ्री और मल्टीप्लाइड बाय माइनस टाइम्स वन अपॉन टू के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो वन अपॉन सिक्स आ गया अपने पास, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे बराबर। तो वन अपॉन सिक्स कौन से में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, और फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास, काफी आसान क्वेश्चन था, बस अपने पास थोड़े बहुत आपको देखने आनी चाहिए। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे अपने टेन की पावर सिक्स इसलिए कॉमन आया क्योंकि अंदर से हम कॉस क्यू कॉमन लेंगे ना, तो ये स्क्वायर से बाहर पावर मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।